नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल और इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज। सेना ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया, पैराशूट से उतरते देखे गए पायलट। जी हाँ, इस समय भारतीय वायुसेना वायु सीमा में दाखिल होने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में मार गिराया है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने बुधवार को अपनी जवाबी फायरिंग में नौशेरा सेक्टर के लाम वैली में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी विमान से उसके दो पायलटों को पैराशूट के जरिए नीचे उतरते देखा गया है। पैराशूट से नीचे उतरते पायलट की स्थिति के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। पाकिस्तानी वायुसेना का विमान जब भारतीय वायु सीमा के अंदर दाखिल हुआ तो भारत की ग्राउंड फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की। भारत की इस कार्रवाई में पाक का F-16 विमान पाकिस्तानी जो इलाके लाम वैली में ही जाकर के गिरा। बताया जा रहा है कि F-16 से दो पायलटों को विमान से पैराशूट के जरिए निकलते दिखाई दिए थे। इससे पहले भारत का एक विमान बड़गाम में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारतीय विमान तकनीकी कारणों के चलते दुर्घटना का शिकार हुआ। वायुसेना की तकनीकी टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को तड़के ही पाकिस्तान के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी प्रशिक्षण केंद्र के साथ मुजफ्फराबाद में चकोटी में आतंकी कैंपों को निशाना बनाया था। उसके बाद से ये कार्रवाई जारी है। भारत की इस कार्रवाई में 300 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने कहा था कि वह अपनी पसंद की जगह पर जवाबी कार्रवाई करेगा। वहीं पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट पर नागरिक विमानों की उड़ान को रोक दिया गया है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो खबर यह भी है कि पाकिस्तानी मीडिया ने जिस भारतीय विमान को मार गिराने का दावा किया है, वह विमान कुछ महीने पहले जोधपुर में दुर्घटना का शिकार हुआ था। आप देख रहे हैं पल पल की यह विशेष रिपोर्ट।